हमारे सारे शीशे टूट गए, घरों के बर्तन गिर गए, सारी खिड़कियां दरवाजे खुल गए अपने आप। गुरुग्राम में शनिवार तड़के एक ऐसा भीषण हादसा हुआ, एक ऐसा धमाका हुआ कि गुरुग्राम के कई किलोमीटर इलाके में दहशत का माहौल हो गया। लोगों को ऐसा लगा कि शायद कोई भूकंप आया है और लोग अपने घरों से देर रात ही बाहर निकल आए। इस हादसे में दो लोगों की मौत भी हुई है, चार लोग घायल हैं। और कैसे एक फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए, कैसे कई किलोमीटर दूर तक मलबा उड़कर गया, वो दिखाने वाले हैं हम आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में शनिवार तड़के तकरीबन 2:30 बजे दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई, उस धमाके की धमक महसूस की गई। इसके अलावा कई किलोमीटर तक घरों के शीशे, फैक्ट्रियों के शीशे, ये सब चकनाचूर हो गए। ये घटना दरअसल गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के पास दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में हुई है। वो तस्वीरें भी आप लोगों को एक एक करके दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रात की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें ये भयंकर आग लगी हुई है। दरअसल गुरुग्राम के दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री है जिसका नाम है भूमि फायरबॉल। दरअसल फायरबॉल होती क्या है वो भी आप लोगों को समझाते हैं। फायरबॉल एक तरह की बॉल होती है जो कि आग बुझाने का काम करती है। जब कहीं आग लग जाती है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज अचानक इसी फैक्ट्री में, फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में ही अचानक आग लग गई और आग लगते ही इस फैक्ट्री में जोरदार धमाके होने शुरू हो गए। दरअसल जो फायरबॉल बनाई जाती है उसमें एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किए जाते हैं और उसी एक्सप्लोजिव के ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इन कारणों का खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जब इस फैक्ट्री में धमाके हुए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, घरों के शीशे टूट गए, चकनाचूर हो गए, लोगों में एक डर हो गया कि आखिरकार ये धमाके कैसे हो रहे हैं। रात में बताया जा रहा है कि 4-5 जोरदार धमाके हुए जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना की जानकारी गुरुग्राम के फायर डिपार्टमेंट को दी गई, गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम फायर डिपार्टमेंट के सभी फायर स्टेशन से 24 से ज्यादा गाड़ियां रात भर इस आग को काबू करने में जुटी रही। जब फायर स्टेशन की टीमें यहां पर पहुंची हैं तो भी इस फैक्ट्री में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे धमाके कम हुए उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें नजदीक गई और आग पर काबू पाया, लेकिन जब नजदीक गए तो देखा वहां का मंजर ऐसा है जैसे मानो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। कुछ इस तरह के हालात हैं, वो तस्वीरें मैं आज दिन की आप लोगों को दिखाता हूं। हमारे सहयोगी मनु मेहता जी वहां जाकर ये तस्वीरें रिकॉर्ड करके लाए हैं और तस्वीरें आप देखिए कि कितना भयानक मंजर यहां पर रहा होगा। इस फैक्ट्री के चीथड़े उड़ गए हैं, आपको जगह जगह मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा, टीन शेड होते हैं वो बिल्कुल बेंड हो गए हैं। और ये टीन शेड केवल इस फैक्ट्री के नहीं है बल्कि आसपास जो बनी हुई और अन्य फैक्ट्रियां हैं उनको भी इससे नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 8-10 अन्य फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है, और भी कई फैक्ट्रियां हैं जिनमें आग लगी, जैसे कि गत्ता फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। और इन फैक्ट्रियों में जो दीवारें बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो भी कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा है। इसके अलावा आपको एक तस्वीर मैं और दिखाता हूं और आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि जहां पर ये फैक्ट्री है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर द्वारका एक्सप्रेसवे गुजर रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे तक ये मलबा उड़कर गया है, इतना जोरदार धमाका इस फैक्ट्री में हुआ है। हालांकि इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी, यहां धमाका कैसे हुआ, इन कारणों की जांच तो अभी की जाएगी, उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार असल वजह क्या है। लेकिन इस हादसे में दो लोगों की जिंदगी चली गई है, दो लोगों की मौत हो गई है जो पुष्टि हुई है अभी तक, अन्य चार लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, अभी शुरुआती जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल भिजवा दिया गया है और घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। इस फैक्ट्री में लगी आग की ये तमाम वीडियोस हमारे गुरुग्राम न्यूज के जागरूक दर्शकों ने हम तक उपलब्ध कराई है, जो हम अन्य दर्शकों तक, अन्य लोगों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। हम उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो उपलब्ध कराई है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि गुरुग्राम के फायर ऑफिसर्स का क्या कहना है, वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, उनमें किस तरह की दहशत रही। इसके अलावा जो अन्य फैक्ट्रियां हैं उनके मालिक यहां पर पहुंचे हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हमारे को एक फैक्ट्री में आग का बताया था, मैसेज दिया था, फिर 112 से फोन आया भाई ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं।
तो फिर हमारी ये टीम पहुंची थी पहली गाड़ी पे, उन्होंने बताया कि भाई इसमें तो ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या चीज़ है, जब तक हमें पता नहीं लगा। इतने में हमने सारे जितने भी स्टेशन है सबसे हमने गाड़ियाँ बुला लिया, गाड़ियाँ बुला के फायर पे कंट्रोल किया। उस समय धमाके हो रहे थे। कुल कितनी गाड़ियाँ यहाँ इसमें लगी? लगभग 2 दर्जन के लगभग हमारी गाड़ियाँ लगी थी। किसकी कंपनी है ये? कोई फायर बॉल बनाती है, जो फायर के जो एक एग्जीक्यूटर टाइप में होता है ये, वो बनाती है। आसपास की जो और फैक्ट्री है उनमें भी नुकसान हुए हैं? बहुत ज़्यादा हुआ है, आसपास की जितनी भी फैक्ट्री हैं उनमें सब में नुकसान हुआ है। दो लोगों के मरने की भी सूचना है? वो बता रहे हैं सर, दो लोग बता रहे हैं, और घायल भी 3-4 है। हाँ, 3-4 घायल हैं, वो बता रहे, हॉस्पिटल में भिजवा दिया, हमारे आने से पहले हो गए। अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा सर आसपास के कितने फैक्ट्रियों के नुकसान, कितने किलोमीटर द्वारका? लगभग ये होगा जी, किलोमीटर के एरिया में हो गए। एक किलोमीटर? हाँ, लगभग एक किलोमीटर के सामने द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी? बिल्कुल वहाँ तक भी है। क्या हुआ था आपके घरों में? हमारे सारे शीशे टूट गए, घरों के बर्तन गिर गए, सारी खिड़कियां दरवाजे खुल गए अपने आप ही। कितने बजे घटना है ये? 2:25 की रात को। हाँ जी, घबराहट हो गई थी? बहुत घबराहट हो गई थी, बिल्कुल पसीना पसीना हो गए सब। धमाके हो रहे थे? धमाके बहुत, 3 धमाके हुए बहुत तेज। और भी आसपास के घरों में नुकसान है? हाँ जी, सारे घरों के शीशे टूट गए हैं सामने बिल्कुल। क्या आपके पास में ही फैक्ट्री है क्या? बिल्कुल, उनके सामने फैक्ट्री सर मेरी। तो क्या घटना हुई थी सर? मेरे पास तो रात को फोन आया था, उसमें एक्सपोजर हुए हैं। हाँ, तो पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई है। 4 ब्लास्ट बता रहे हैं, 4 बार ब्लास्ट हुआ है। आपकी फैक्ट्री में क्या क्या नुकसान हुए हैं? मेरी फैक्ट्री में सर सारा गत्ता जल के राख हो गया है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा सारा टीन टप्पर सब जल गए हैं, सब टूट टूट गया है, कैची कुची सब खत्म हो गई है। आपके कोई चोट भी लगी है वर्कर को? वर्कर को चोट लगी है जी, 2 लोगों को थोड़ा गंभीर हुआ, उसको मैंने हॉस्पिटल भेजा है, और 2 बंदों को एक सर फूट गया था, एक को गुम चोट लगी हुई है। आसपास की कितनी फैक्ट्रियों में नुकसान है? लगभग भाई साहब 7-8 फैक्ट्री में नुकसान है। 7-8 क्यों, इधर उधर लगाओगे छोटा मोटा तो 12-13 फैक्ट्रियाँ नुकसान हुआ है। मतलब जबरदस्त ब्लास्ट थे भाई साहब? बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, 4 बार कह रहे हैं, 4 बार एक्सप्लोजन हुआ है, फटा है। अब देखो ना, इतनी दूर तक सारे शीशे टूट गए, कहाँ फैक्ट्री और कहाँ दूर तक ये। दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस हादसे के बाद कई फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है, कई फैक्ट्रियों में आग भी लगी है, उनके स्ट्रक्चर्स ध्वस्त हो गए हैं, उनके सामान भी इस धमाके की धमक की वजह से दूर दूर तक जाकर गिरे हैं। यह हादसा कैसे हुआ, ये धमाके कैसे हुए, क्या इसके कारण रहे, इसकी जांच के लिए अब हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और जांच की जा रही है कि आखिरकार इस हादसे की असल वजह क्या है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।